हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवम और आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है 12263 पुणे हजरत निजामुद्दीन एसी दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में। एक वीकली ट्रेन है, ये हर मंगलवार और शुक्रवार को पुणे से चलती है। ये ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार को पुणे से सुबह 11:10 पर रवाना होती है और एक रात चलकर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 6:45 पर आपको दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचा देती है। ये ट्रेन अपने जर्नी के दौरान 1511 किलोमीटर का डिस्टेंस 19:35 में कवर करती है। इसके तकरीबन 5 हॉल्ट हैं। ये एक दुरंतो टाइप की ट्रेन है। इसका रेक जोन है नॉर्थन रेलवे। इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 77 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड रहती है 130 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को पहली बार मंगलवार को 29 मार्च 2009 में चलाया गया था। इस ट्रेन के बात करें कोच कंपोजिशन के बारे में तो इसमें LHB श्रेणी के 18 कोच लगाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट AC का एक कोच लगाया जाता है, सेकंड AC के 4 कोच लगाए जाते हैं, थर्ड AC के 10 कोच लगाए जाते हैं और एक पेंट्री कार का कोच भी लगाया जाता है और इसमें EOG के भी 2 कोच लगाए जाते हैं। बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो अभी जो मैं दोस्तों आपको किराया बताऊँगा वो पुणे से लेकर हजरत निजामुद्दीन तक का बताऊँगा। इस ट्रेन में फर्स्ट AC का जो मिनिमम चार्ज है वो है ₹4,950, सेकेंड AC का मिनिमम चार्ज है ₹2,970 और थर्ड AC का इसमें मिनिमम चार्ज है ₹2,130। पर दोस्तों आपको पता ये एक प्रीमियम ट्रेन है तो इसमें डायनेमिक फेयर भी लगता है। इसमें फर्स्ट AC के किराए में आपको कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। इसका जो सेकेंड AC का मैक्सिमम किराया है वो है ₹4,281 और थर्ड AC का जो मैक्सिमम किराया है वो है ₹2,848, जिसमें आपको GST चार्ज, कैटरिंग चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। बात करें दोस्तों इसके टाइम टेबल के बारे में तो यह ट्रेन हर मंगलवार और शुक्रवार को पुणे से सुबह 11:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है वसई रोड दोपहर में 2:20 पे और 2:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है सूरत शाम को 4:53 पे और 4:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है बड़ौदा जंक्शन शाम को 6:28 पे और 6:38 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है रतलाम जंक्शन रात को 9:55 पे और 10 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है कोटा रात को 12:55 पे और 1:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके ट्रेन रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन अपने लास्ट डेस्टिनेशन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सुबह 6:45 पर आपको पहुंचा देती है और 1511 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।